सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर स्ट्रेट लाइन। नाउ योर डाउट्स, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। टाइप सिक्स, टाइप सिक्स और क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव टाइप। ओके, ट्रिक चाहिए आपको, शॉर्टकट। टाइप सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4, -13। वन पॉइंट इज गिवन, 4, -13, दिस इज द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज 5x, 5x प्लस वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। दिस लाइन एक्ट्स एज मिरर, यह सरल रेखा एक दर्पण की भांति काम कर रही है। इस मिरर में इस पॉइंट की इमेज कहां पर दिखाई पड़ेगी, ये आपको बतलाना है। थ्योरेटिकली इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, फाइंड आउट द लेंथ, उसके बेस के कोऑर्डिनेट निकालिए, फिर दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द इमेज प्लस ओरिजिनल पॉइंट डिवाइडेड बाय टू, ऐसा करके आपको करना पड़ेगा। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देखो, एक पेज दो मेरे को, ब्लैंक पेज किसी के पास लाइए। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मेक अ टेंटेटिव ग्राफ पेपर। अगर आपके पास में ग्राफ पेपर है तो बहुत अच्छा है, स्केल है तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप एक्यूरेट बना सकते हो, और नहीं तो यू जस्ट टेंटेटिव भी आप बना सकते हो। देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक जनरली इस तरह से पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। एक्यूरेट बन जाए बहुत अच्छी बात है, बाय यूजिंग स्केल इन IIT, AIEEE और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप बना सकते हैं। नहीं तो जो आपका पेपर है उस पे आप थंब या नेल या किसी चीज की मार्किंग कर लें, उससे भी आप बना सकते हो ग्राफ पेपर। प्लॉट दिस स्ट्रेट लाइन व्हेन वाई इज जीरो, 5x इज इक्वल टू -6, तो व्हाट इज एक्स, इट इज -6/5, इट इज -1.2, सो टेंटेटिव यहां पर आएगा। क्या करना, आप एक होल कर लेना यहां पे, एक छोटा सा, लाइक दिस। When x is 0, y equal to -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, line is passing through these two points, okay? Line, इसको मैंने प्लॉट किया, छोटा सा होल करने से क्या होगा कि, और कॉपी का राइट पेज यूज करिएगा, उससे बहुत इजी हो जाएगा करना। इन दोनों होल्स को लेकर के फोल्ड कर लीजिए, मिला लीजिए, यू जस्ट, या इनको अगर आप डायरेक्ट मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर ली। नाउ स्ट्रेट लाइन इज दिस, ये रही स्ट्रेट लाइन। ओके, प्लॉट द पॉइंट 4, -13, 1, 2, 3, 4, -13, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, सो 1, 2, 3, 4, 4, -13 इज समवेयर हेयर, दिस पॉइंट इज। अब आप इस पॉइंट को भी यहां पे छोटा पिन होल कर लीजिए, इट इज लाइक दिस। इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है तो मैं फिजिकली इमेज ही कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं इस लाइन के अबाउट इस पेपर को फोल्ड कर दूं, ये मैंने पेपर को फोल्ड कर दिया, और ये जो डॉट जहां पे था, होल जहां पे था, वहां पे मैंने थोड़ा जोर से प्रेस कर दिया, सो आई विल फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। ये जो इमेज आ गई है वो यहां पे कहीं आ रही है, ये आ रही है इमेज, ये देखिए, ये रही, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट, और इसको फोल्ड करिए तो ये इमेज आ रही है। इमेज को अगर मैं टेंटेटिव निकालूंगा तो मेरा अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए 1, 13, ये रहा 14 के आसपास, करीब करीब 1, -14, इसके आसपास मेरी इमेज बन रही है।
अब ऑप्शन चेक कर लीजिए. नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन, विच क्वेश्चन, फिफ्थ. फर्स्ट ऑप्शन -1, -14, इट इज -1, -14. सेकेंड ऑप्शन 3, 4. थर्ड इज 1, 2. फोर्थ इज -4, 13. नाउ ऑन द पेपर ये देखिए, पेपर के आप देखेंगे तो -1, -14 इज वेरी नियर टू दिस पॉइंट. ये तो मैंने टेंटेटिव रफ प्लॉट किया है. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. हेयर दिस इज नॉट द आंसर. 1, 2, 1, 2. हेयर दिस इज नॉट द आंसर. -4, 13. 1, 2, 3, 4. -4, 13. दिस इज नॉट द आंसर. सो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यू कैन वेरी इजीली गैस. थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत जल्दी ये काम होता है. राइट साइड का पेज यूज करिए, पिन होल कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दीजिए और वो मिरर है ना तो उसको फोल्ड करके इमेज फाइंड आउट कर लीजिए. ओके okay?